दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ही सीरीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हॉलीवुड सीरीज के बारे में और कुछ ऐसे बॉलीवुड सीरीज के बारे में जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि इस तरह की सीरीज शायद ही नेटफ्लिक्स कभी रिलीज कर पाएगी। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों यूं तो बहुत तरह के सीरीज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज हम जिन सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं ऐसी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर लिस्ट नहीं मिलने वाली होगी। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है मुंबई मेरी जान। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, इस मूवी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जो कि बड़ा होकर मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनना चाहता है और लास्ट तक वो गैंगस्टर बन भी जाता है, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की प्रेजेंटेशन ऑसम है। सीरीज के एक एपिसोड में आप कुछ ऐसे भी दृश्य देखने वाले होते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में डी कंपनी के पूरे हिस्ट्री को आपके सामने प्रेजेंट करती है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 7.5। इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर आप देख सकते हैं। नंबर 6 पर है डेथ गेम। दोस्तों, इस तरह की कॉन्सेप्ट शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो कि हर बार कोशिश कर रहा होता है और हर बार फेल हो रहा होता है और इसी फेलियर की वजह से वो आत्महत्या करने जाता है, लेकिन आत्महत्या जैसे ही वो करने जाता है उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और वो दुनिया असल में कैसी है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज दोस्तों फिलहाल अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं की गई है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी प्रेजेंटेशन Awesome है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे Amazon Prime Video पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है असुर सीजन 2 सीजन 1 कुछ भी अब उठा लीजिए। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज के कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि लोगों को मारता तो है लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, लेकिन असल में ये सीरियल किलर सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी का ही सहारा क्यों ले रहा होता है लोगों को मारने के लिए, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में आप अच्छी खासी थ्रिल और अच्छा खासा सस्पेंस एंजॉय करने वाले होते हैं। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.5। नंबर 4 पर है टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड। दोस्तों, इस सीरीज के कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी जो कि ज़ॉम्बीज टाइप सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां पर सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के हाथ से अपने आप को सर्वाइव करके रखना चाहते हैं और लास्ट तक वो अपने इस काम को किस तरह पूरा करते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज Prime Video पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.9। नंबर 3 पर है ट्रू डिटेक्टिव सीजन 3। दोस्तों, यूं तो आपने सीरियल किलर के ऊपर बहुत सारे सीरीज देख रखे होंगे, लेकिन इस सीरीज की बात बहुत ही ज्यादा यूनिक है। सीरीज में कुछ ऐसे सीरियल किलर्स को आप देखने वाले होते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सीरीज के प्रेजेंटेशन में आप अच्छा खासा सस्पेंस और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होते हैं। सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली नहीं होती है, लेकिन इसके हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले होते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.9। इसे जियो सिनेमा पर आप देख सकते हैं। नंबर 2 पर है मिर्जापुर सीजन 3। दोस्तों, इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर खुद ही एक सुपरहिट सीरीज है। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है इस बार गुड्डू भैया से जो कि मिर्जापुर के किंग बनना चाहते हैं, लेकिन वो मिर्जापुर के किंग बनने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज में आप अच्छा खासा एक्शन और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.4। इसे Amazon Prime Video पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है हाउस ऑफ द ड्रैगन। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद अगर कोई अच्छी सीरीज है तो एकमात्र यही सीरीज है जिसे आप गेम ऑफ थ्रोन जैसे ही एंजॉय कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्वीन टाइगेरियन से जो कि अपने मरे हुए बेटे का बदला किसी भी तरह से लेना चाहती है और वो अपना रिवेंज किस तरह लेती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है, प्लस इस सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इस सीरीज की एक भी एपिसोड की स्टोरी
स्टोरी के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन इस सीरीज में न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी दोनों ही चीजें हैं, और इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरी तरह से आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 10 में 8.4, इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।